अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। मैं भी ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नए एक व्लॉग के साथ सुबह का नाश्ता है, चाय बना रही हूँ। चाय बन रहा है एक चूल्हे में और मेरे हस्बैंड ने फरमाइश कर दी कि मुझे अंडा टमाटर खाना है, तो ये उसके लिए मैंने प्याज काट लिए, हरी मिर्च काट लिए, हरा धनिया और 3 अंडे को मैं बना रही हूँ। मैंने कहा चलो सुबह नाश्ते में बाहर से चने आते हैं या बचा हुआ जो रात का सालन होता है तो उसी से हम सुबह नाश्ता कर लेता, अगर कभी नहीं बचता तो फिर हम ये ऐसे अंडे टमाटर बना लेते हैं। तो प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। थोड़े से हरा धनिया मैंने काट लिए, 3 अंडे को मैंने घोट लिए, ठीक है। फेंट रही हूँ अंडे को सही, फिर उसके बाद जो है ना प्याज फ्राई करूँगी। प्याज फ्राई हो रहा है, प्याज फ्राई होने के बाद जो है ना प्याज जब फ्राई हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो उसमें जो है ना मैं टमाटर की प्यूरी रखी हुई थी वो डालूँगी। वैसे साबित जो टमाटर होते हैं वो डालती हूँ, लेकिन वो थे नहीं क्योंकि मैंने प्यूरी बना दी थी। यहाँ साथ साथ जो है ना आटा मैंने रख दिया, अब आटे के अब मैं पराठे भी बनाऊँगी। पहले मैंने कहा चूल्हा खाली हूँ तो ये पहले अंडे का ये मैं बना के ये फारिग हो जाऊँ। तो वही बात है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए घर का, कि है ना घर में बना के बच्चों को खिलाओ और ख़ुद भी खाओ तो फिर ज़्यादा वो होता है, मज़े का भी होता है। और दूसरी बात है कि आजकल जो इतनी महंगाई है, महंगाई में आपकी बजट भी हो जाती है और घर में फ्रेश बिल्कुल, बाहर से खाओ तो फिर पेट है ना ख़राब ही रहता, गैस ही बनती रहती है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ना सुबह मैं जो है ना खुद अपने हाथों से बनाऊँ, बाहर का मैं कम ही मंगवाऊँ। और कभी कभार मंगवाएं तो फिर खाए तो बंदा वो भी वो हो जाता कि सेहत ख़राब हो जाती है। तो ये अंडे का घोटाला मैंने बना लिया है, अंडा भुर्जी बोले, अंडा घोटाला बोले, जो भी बोले, लास्ट में मैंने जो है ना उसमें वो डाल दी, हरा धनिया डाल दिया, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे हस्बैंड को तो मेरे हाथ का बेइंतहा पसंद है। जैसे मैं कुछ नहीं डालती, सिर्फ हरी मिर्च जो है ना वो मैं काट के बारीक बारीक काट के डालती हूँ, प्याज टमाटर और हरा धनिया अंडा, बस। इसके अलावा ना इसमें मैं लाल मिर्च ना हल्दी ना कुछ मैं कुछ नहीं डालती। तो ये बन के रेडी हो चुका है। अब हम दस्तरखान पे आ गए, पराठे मैंने बना लिए, चकोर पराठे कड़क कड़क। तो अब जो है ना हम खाएंगे, खा के देखेंगे कि कैसा बना। हस्बैंड को सबको तो पसंद है, मैंने चाय भी ले ली, चाय तो मस्ट है, चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं। चाय के बगैर तो हमें तो इतनी ज़्यादा लत लग चुकी है बचपन से कि हम जो है ना चाय के बगैर गुजारे ना, हमें कितनी भी चाय दे दो। मैं आपको पिछले वाले व्लॉग में भी बता चुकी कि मैं 17 से 18 कप चाय पीती थी और पूरे दिन में मैं खाना नहीं खाती थी, तो उसकी वजह से मैं बहुत और स्ट्रॉन्ग चाय बिल्कुल ब्लैक वाली चाय बना के पीती रहती थी। तो जो है ना जैसे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, कमज़ोर भी हो गई थी, वज़न भी बहुत घट गया था, रंग भी मेरा चल गया था। फिर मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास लेके गई हैं, फिर डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर मेरी माँ ने बता दिया कि ये सारा दिन यही करती रहती है, चाय पीती रहती है। खैर डॉक्टर ने बहुत डांटा और कहा आप कम कर दो। उसके बाद से मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए मैंने चाय कम कर दिया, अब मैं 2 या 3 कप इससे ज़्यादा नहीं पीती। खैर ये दोपहर का टाइम हो गया है, दोपहर के टाइम में तो फिर जो है ना थोड़े से बीफ रखे हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा पुलाव बना लेती हूँ। मैंने कहा बच्चे भी फरमाइश कर रहे हैं तो मैं ये गोश्त वगैरह वो करके अदरक लहसुन डाल के सब कुछ डाल के ये पहले मसाला वगैरह भून के फिर गोश्त डाल के मैंने अभी पानी डाल के भून के फिर पानी डाल के इसको अभी 1 घंटे के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया मैं दरमियान आँच करके, फिर उसके बाद हल्की आँच की, फिर गोश्त जब अच्छी तरह गल गया तो इसमें मैंने चावल डाल दिए, ठीक है, हरी मिर्च डाल दिए, गरम मसाला साबित वो डाल दिए, वो तो खैर मैंने प्याज के साथ ही डाल दिए थे, तो और भुना कुटा ज़ीरा था वो डाल दिए, इसके अलावा और मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो फिर ये अभी चावल डाल दिए, अभी जब ये थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाएगा तो इसको हम इसको है ना जो है कहते हैं दम पे लगाते हैं, ठीक है। ये मैंने ऊपर से हरा धनिया डाल दिए, अब ये इस पर मैं दम पे लगाने से पहले मैंने कहा हरा धनिया डालूँ ताकि चावल में हरा धनिया का टेस्ट तो आए। तो ये भी पुलाव बना रही हूँ, आसान रेसिपी, ठीक है। ये मैंने डिटेल में नहीं दिखाई, फिर मैं कभी बनाऊँगी तो आपको डिटेल में दिखाऊँगी, सही है। तो आज छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरे ब्लॉग आपको पसंद आते। अगर मेरे ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्ट्रगल कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी आप लोग की। और बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को याद रखिएगा, ठीक है। और मैं हम सब के लिए, आप सबके लिए दुआ करूँगी। और मेरे व्लॉग अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं नए से नए व्लॉग बनाऊँगी। जब आप प्यार दोगे तो फिर हिम्मत होती है, हिम्मत और ताकत मिलती है। आप मेरी फैमिली हो आप, और आप जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ, जिन जिन लोग मुझे देखते हैं, लाइक्स एंड शेयर करते हैं, उन सब के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, आमीन है। अल्लाह अल्लाह ताला हर परेशानियाँ दूर करे, या अल्लाह
और जो है ना सबकी है ना जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर, और जो स्ट्रगल कर रहे जितने यूट्यूबर हैं उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह उन सबको कामयाब करे, मुझे भी करें, उन सबको भी कामयाब करे। सब स्ट्रगल लाइफ है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, नए नए यूट्यूबर जो बने हुए मेरी तरह, मैं भी जैसे हूँ। तो आप लोगों को ना प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। सब्सक्राइब कर दे, इस एक सब्सक्राइब से है ना और एक लाइक से है ना हमारी ज़िंदगी बन सकती है, और बाकी सब अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह ताला जिसे इज्जत देना चाहे, जिसे जिल्लत देना चाहे, जिसे शोहरत देना चाहे, जिसे माल देना चाहे, उसकी मर्ज़ी। बाकी तो क्या अल्लाह ताला के ऊपर है कि अल्लाह ताला, और मैं ये निमू निचोड़ निचोड़ के मैं जो है ना इसमें खा रही हूँ, मुझे बहुत बेहतरीन लगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे और न्यू यूट्यूबर के लिए भी सबको सब्सक्राइब कर दे मेहरबानी। मैं तो जैसे मेरे पास कोई